हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है उदयपुर में हमारा फोर्थ डे और आज हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे कुंभलगढ़ और वहाँ हम लोग रहेंगे आज और कल, और परसों हमारी फ़्लाइट है तो हम लोग वहाँ से बैक टू नोएडा। और देखते हैं कुंभलगढ़ में, अच्छी जगह है कुंभलगढ़, घूमने लायक जगह है और देखते हैं वहाँ पर क्या है। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकती कि वहाँ पर क्या है। और हर्षल की तबीयत थोड़ी हो गई है ख़राब, है ना? मेरी भी हो गई थी ख़राब, पता नहीं क्यों, या तो पानी चेंज हुआ है इसलिए या जो भी हो, हर्षल थोड़ा सा सैड हो गया है। से हाय। हेलो, क्या हुआ है हर्षल? हर्षल का पेट दर्द हो रहा है। हर्षल बहुत खा लिया था। इसे थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो आज हर्षल कुछ खाया नहीं है, बस जूस पिया है ना। जूस पिया, क्या खाया है? हाँ, एक प्लेन डोसा खाया है और कुछ नहीं खाया ना मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में बस एक प्लेन डोसा खाया है। हर्षल के पेट में दर्द हो रहा है ना? सो गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं कुंभलगढ़ के लिए और कुंभलगढ़ के रास्ते में हमें दो तीन पॉइंट विजिट करना है, जैसे कि महाराणा प्रताप का म्यूजियम और ये है फतेह सागर लेक, वो जो कि बहुत ही बड़ा है और बहुत ही फेमस है उदयपुर में, और चेतक समाधि है और हल्दी घाटी, जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो चीज़ें हमें देखनी है, और ये है महाराणा प्रताप का म्यूजियम। और यहाँ टिकट लेके जाना होता है, अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ शो भी दिखाया जाता है जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में हमें बताया जाता है। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी जो उन्होंने बताया है, थोड़ा बहुत मैंने उसके जो ग्लिम्स हैं वो लिए हुए हैं। और अगर आप उदयपुर जा रहे हो और आपके साथ बच्चे हैं तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो ज़रूर विजिट करें अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, ताकि बच्चों को नॉलेज मिले ये इन सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ जो सारी चीज़ें हैं वो उस समय के जो सारी चीज़ें हैं वो पिक्चराइजेशन करके दिखाया गया था कि वॉर कैसे हुआ था, कैसे क्या क्या कैसे हिस्ट्री में हुआ था, ये सारी चीज़ें पिक्चराइजेशन के थ्रू जैसे हो सका है उन्होंने दिखाया है। किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर थे। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की बोटिंग है। बोटिंग क्या करोगे? इधर क्या है? लायन, लायन कौन सा है इसमें? टाइगर कौन सा है? चीता है। बियर कहाँ है? बियर ब्लैक वाला बियर है। और ये स्कूल के बच्चे आए हैं ये म्यूजियम देखने महाराणा प्रताप का। था महाराणा प्रताप का म्यूजियम और बहुत ही अच्छा था, जो अंदर स्टोरी बता रहे थे वो भी बहुत अच्छा था। और बच्चे भी आए हैं अभी स्कूल से देखने के लिए म्यूजियम, सारी जो पुरानी स्टोरी है और रियल स्टोरी है वो सारे बता रहे थे, बहुत ही अच्छा था। हर्षल आ जाओ। स्टूडेंट्स आए ना स्कूल से, तुम भी जाओगे ना, तुम भी जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तुमको भी ट्रिप पे ले जाएंगे मैम, है ना? तो ये स्कूल से आए ट्रिप पे, है ना? तुमको पता है ये स्कूल बन रहा है ना, नया स्कूल बन रहा है ना। हाँ, कहाँ पे? वहाँ गेमिंग होगा। हाँ, और वहाँ स्विमिंग पूल होगा। नया स्कूल जो बन रहा है वही ना।
चलो तुम भी जाओगे ट्रिप पे। और ये मैंने कहा ना तो हम लोग जाएंगे। एंड ये प्लेस है हल्दी घाटी, इसको कहते हैं हम हल्दी घाटी क्योंकि जो इसका कलर है वो है थोड़ा सा हल्दी की तरह। एंड दिस इज द प्लेस वेयर बैटल ऑफ हल्दी घाटी हैपेंड इन 1576। और यहाँ पे आके ना मैं उस जोन में चली गई थी जैसे सीरियल में दिखाता है महाराणा प्रताप की कैसे वॉर हो रहा है। चलो आ जाओ बैठो। इधर 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 आ जाओ ना बैठो। गो और सूलेसेस बांधे क्यों नहीं है? चलो सूलेसेस बांधो। खुल गया है तुम्हारा सूलेस? क्या बोलते हैं? और हल्दी घाटी से थोड़ी सी दूरी पे है ये चेतक समाधि जो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था। बहुत ही फेमस घोड़ा है, अभी भी लोग याद करते हैं, समझो कि वो इमोर्टल ही है। और उसकी समाधि है यहाँ पे। मंदिर बनाया गया उदयपुर में ना गुलाब की खेती होती है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं शॉप पे और ये अंकल अपनी दुकान पे खुद ही बनाते हैं उसके जो स्टीम से गुलाब के सारी चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा मेरे हिसाब से। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ली थी और इन्होंने हमें टेस्ट कराया था तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। वैसा टेस्ट आप बाहर कभी खरीदते हो ना तो वैसा टेस्ट कभी नहीं आता है। गुलकंद खा लो। वहाँ पे दिखाया था ना खसखस खसखस जो सब्जी में डालते हैं। इसका टेस्ट नहीं समझ में आ रहा मुझे कभी खाया नहीं ना। पेट थोड़ा ठंडा हो गया हमारा इतना ठंडा ठंडा खा के। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कुंभलगढ़ के होटल में। ये आपको खाना हमारी तरफ से। ये चप्पल जाएंगे ना उधर नहा नीचे। चलो स्लिप नहीं होगा। चलो तो बाकी शरीफा और वो वाला ना जूस वो सब अंदर जाएंगे कर देंगे। चलो
चलो गिरेगा नहीं बेटा। कैसा है? क्यों? क्या हुआ? ठंडा है? स्वेटर तो लाया नहीं है, ठंडा है तो। यहाँ से है। उल्टा पुल्टा मैं चली जाती हूँ। लो मम्मा का भी ले लो।